निम्बाकाचार्य वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रख्यात हैं। यह ज्ञातत्व है कि वैष्णवों के प्रमुख चार संप्रदायों में निम्बार्क संप्रदाय भी एक है। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। इसको संकादिक संप्रदाय भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि निम्बार्क दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर वैद्यूर्यपत्तन के निकट पंडरपुर अरुणाश्रम में श्री अरुण मुनि की पत्नी श्री जयंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। कतिपय विद्वानों के अनुसार द्रविड़ देश में जन्म लेने के कारण निम्बार्क को द्रविणाचार्य भी कहा जाता है। ये माना जाता है कि उनका जन्म 1250 ई में हुआ था। श्री निम्बाकाचार्य की माता का नाम जयंती देवी और पिता का नाम श्री अरुण मुनि था। इन्हें भगवान सूर्य का अवतार कहा जाता है। कुछ लोग इनको भगवान के सुदर्शन चक्र का भी अवतार मानते हैं तथा इनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ बतलाते हैं। वर्तमान अन्वेषकों ने अपने प्रमाणों से इनका जीवन काल 11वीं शताब्दी सिद्ध किया है। इनके भक्त इनका जन्म काल द्वापर का मानते हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत के गोदावरी के तट पर स्थित वैद्यूर्यपत्तन के निकट अरुणाश्रम में हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि इनके उपनयन के समय स्वयं देवर्षि नारद इन्हें श्री गोपाल मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी तथा श्री कृष्ण उपासना का उपदेश दिया था। इनके गुरु देवर्षि नारद थे तथा नारद के गुरु श्री सनकादिक थे, इसलिए इनका संप्रदाय सनकादिक संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इनके मत को द्वैताद्वैतवाद कहते हैं। निम्बार्क का जन्म भले ही दक्षिण में हुआ हो किंतु उनका कार्य क्षेत्र मथुरा रहेगा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, इसलिए भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में मथुरा का अपना निजी स्थान रहता चला आया है। निम्बार्क से पहले मथुरा में बौद्ध और जैनों का प्रभुत्व हो गया था। निम्बार्क ने मथुरा को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर यहाँ पुनः भागवत धर्म का प्रवर्तन किया।